नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जय अंबे पर है और आज प्याज का क्या अपडेट देखने को मिला है, सभी जानकारी देने वाले हैं। ऐसे हो सर? अच्छे हैं सर। तो सर आज क्या बाजार खुला सर प्याज का? अच्छे माल तो 25 रुपए बिक रहे बहुत। कोटा झालावाड़ वाला? कोटा झालावाड़, अच्छा 25 रुपए बिका है सर? बिका ना अपने पास। अच्छा जी, अच्छा। 135 कट्टे की एक ही वक्कल था। तो सर वो एक दो लोट ही होते हैं सर, जो बढ़िया माल जो 24-25 बिक जाता है। बिल्कुल, हल्के माल में भेजा, कोई रेंज नहीं, 10-11-12 मुगम कट्टे 250-250 रुपए कट्टा बेचा आज मैंने। बिल्कुल। और सर क्वालिटी है 80% हल्की ही आ रही है सर? 80% बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी निकल कर आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप कोटा झालावाड़ का लगा लो या फिर अलवर वाला लगा लो, जी वो सारा ऐसा ही प्याज आ रहा है। सही बात है, इसमें किसान का भी दोष नहीं है, ये क्या जो 3 दिन बरसात हुई थी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसान का प्याज निकलने को हो गया था, उसका नड़ा टूट गया था। नड़ा टूटने के बाद में उसमें पानी गिर गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कितना भी सुखाए लेकिन उसके अंदर से पानी बाहर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, गलन की ज्यादा संभावना बन चुकी है सर जी। तो एक और दौलत जैसे ये क्वालिटी है सामने ये वाली, ये क्या बिकी है? 16 रुपए की। ये वाली सर, ये 16 बिकी है? कौन सी वाली भाई साहब, दिखाओ सर। अरे ये तो 6-7 रुपए की बिकेगी भाई, इसमें कोई मतलब नहीं है, वो 16 बिकी है। अच्छा, वो थोड़ी बढ़िया क्वालिटी है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर चढ़ो। ये 16 बिकी भाई जी, ये वाली 16 रुपए की है। इसमें ये बीमारी हो रही है सब में। बिल्कुल बिल्कुल, गलन की संभावना। और ये 15 बिकी है, ये 15 रुपए की है, देखो ढेर भर रहा है। ये 15 रुपए? हाँ, ये देखो ना, ये देखो आप, बड़ी साइज है फिर भी 15 रुपए की। बड़ी साइज है लेकिन इसमें डबलिंग है ज्यादा, है कलर पत्ती नहीं है। डबल साइज जी। और ये वाले सर, ये बिकी 11.5 रुपए। बोलो 11.5 रुपए बताओ सर। ये 12 बिकी है। ये 12 रुपए तो सर किसान का तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई पड़ता नहीं खा रहा होगा सर। किसान तो मर रहा भाई साहब, कुछ भी नहीं है। ये 6 रुपए बेची है ये वाली? हाँ जी, 6 रुपए किलो बताओ। पर ये डबलिंग है, पर 6 रुपए भी बिल्कुल सर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है किसान भाई को। तो सर आपके पास जो किसान आते हैं जी, जो लगभग 35-40 रुपए भी बेच के गए हुए हैं, और आज उनका प्याज 10 रुपए 5 रुपए बिक रहा है, तो सर बहुत ज्यादा क्या करें बेचारे जो आ रहा है, तो कि उसको जानवर भी नहीं खाता है। बिल्कुल, अगर जानवर को खिलाएंगे भैंस को तो उसका अपने घर पे रख लेंगे। बिल्कुल सही बात है, जानवर भी नहीं खाता। और इसका मेन कारण है एक्सपोर्ट जो है वो बंद हो गया, कुछ वो भी है, कुछ जो क्वालिटी है। मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, एक्सपोर्ट में कच्चा पक्का माल नहीं जाता है। बिल्कुल, कोई भी इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी एक भी माल नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी नासिक वाला जो बढ़िया क्वालिटी का है वही जाता है सर जी। अपना जो ये कोटा झालावाड़ हो या अलवर वाला हो, ये बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं जाएगा। तो ये बात तो सही है कि इसकी वजह से तो कोई वो दिक्कत नहीं है सर। पर हाँ, दिक्कत थोड़ी सी है कि अगर नासिक वाला प्याज अगर उधर चला जाता है तो थोड़ा अपने वाले की डिमांड में का उछाल आ सकता है, बाकी आएगा नहीं, क्योंकि कचरा ज्यादा हो गया है। और अपना सीकर का भी चालू हो गया, लोकल सीकर वाला शुरू हो गया जी, सीकर मंडी में खूब आ रहा है थैलियों के अंदर में। तो सर सीकर आ जाएगा, फिर उसके बाद अपना ये भावनगर गुजरात आ जाएगा, तो इस वजह से भी फिर भाव तो मेरे हिसाब से ज्यादा देखने को नहीं मिल सकते। नहीं मिलेगा भाई साहब, अपने मार्च तक तो ये बंद है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट खुलेगा नहीं। बिल्कुल, चाहे नेपिट खरीद ले, वो किसान से क्या रेट करते अपन को पता नहीं है। बिल्कुल, यानी भाव आपके हिसाब से क्या रहने वाले हैं सर? अच्छे माल के पोजीशन 20-25 रुपए चलेगी। और अच्छा माल मेरे हिसाब से नासिक वाला ही होगा सर, अलवर वाला या इसका? नहीं, तो है झालावाड़ में भी है, 2-3 गांव में अच्छे माल है। झालावाड़ का 10-15 दिन में लगभग खत्म हो, एंडिंग की तरफ हो जाएगा सर। आज 135 का था, 135 का ये वाला लोट, ये 25 रुपए का पूरा। अच्छा, ये वाला है 25 रुपए, एकदम पापड़ की ज्यादा सूखा संग माल है। ये देखो, ये सामने से मैं दिखा देता हूँ क्वालिटी, ये पूरा 25 रुपए का, ये 25 रुपए का है सर। बहुत बढ़िया सर। कितने कट्टे आए थे आज आपके पास लोग? मेरे पास टोटल लगभग 1400 कट्टे हैं। 1400 कट्टे हैं जी। तो ऊपर में 25 रुपए बिका है, नीचे में तो सर क्या भाव बताएं सर? बताया ना आपको, 250 रुपए कट्टा बेचा, 250 रुपए भी कट्टा बिका है, और किसान ने बोला बेचो। बिल्कुल, क्या करें, उनकी मजबूरी है सर, मजबूरी है। बहुत बढ़िया सर। तो चलो मैं थोड़ा किसानों से भी लेता हूँ, किसानों से मिलो। तो कोटा झालावाड़ से किसान भी आए हुए हैं, पूछते हैं आज क्या भाव बिका है इनका प्याज। क्या नाम है भाई साहब आपका? आदेश पाटीदार। आदेश जी, तो आज क्या भाव बिका? हमारा प्याज बिका आज 10 से लेकर 18 रुपए किलो तक। अच्छा जी, 10 से 18 रुपए जी, हल्की क्वालिटी का 10 रुपए बिका। हाँ बिल्कुल। कितने कट्टे लाए?
हम लाए थे पूरे गांव के मिलकर 300-400 कट्टे एक गाड़ी में लेके आए थे। एक गाड़ी में लेके आए तो किराया क्या लगा सर? किराया 70 रुपए किलो, 70 रुपए कट्टा, 70 रुपए कट्टा पड़ गया आपको। बहुत बढ़िया सर। तो पैदावार की बात करें तो कितनी पैदावार निकल रही है? पैदावार एक बीघे में से 100 कट्टे 100 कट्टे निकल रहे हैं। हाँ, आराम से। तो अगर इसका मतलब 100 कट्टे निकल रहे हैं तो पैदावार अच्छी है सर? हाँ, पैदावार तो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, पर यह है कि भाव थोड़ा सा आपको डाउन मिला है सर। भाव क्या मिला भैया, असल बात तो मैं बताऊं कि पैदावार तो अच्छी मिली, लेकिन जब से ये केंद्र सरकार ने ये जो निर्यात रोका, पहले हमारे प्याज निर्यात हो रहे थे, अब इस ये जो निर्यात रोक दिया है उससे हमारे प्याज बाहर नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज से 20-25 दिन पहले हमें भाव मिल रहा था 40-42-50 तक का। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भाव अब नहीं मिल पा रहा है। किसानों की ये हालत हो गई कि बेचारे कर्जे में तो ऑलरेडी डूबे हुए थे ही सही, पर इस फसल का अच्छा भाव मिल जाता तो हम कर्जे से बाहर आ जाते। बिल्कुल। और अब कर्जे में डूबे रहेंगे, मतलब गवर्नमेंट, केंद्र सरकार यही चाहती है। गवर्नमेंट तो चाहती है किसान के कर्जे में डूबा रहे। बिल्कुल। तो वोट किसको दिया था आपने? वोट दिया, मैं कट्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उससे पहले एक किसान का बेटा हूं। बिल्कुल भाई, मेरे कहने का मतलब यही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि हो सके तो फिर से निर्यात खोल दे। बिल्कुल। तो उससे सारे किसानों को लाभ मिलेगा जी। हमारा प्याज निर्यात नहीं होता है, पर एक हवा बन जाती है और उस हवा में हो सकता है 2-4-5 रुपए फालतू हो सकता रेट जी, पर इतना नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भाई, पहले 42 मिल रहे थे, अब 10-12 मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सर हो सकता है आने वाले समय में ये भी ना मिले? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि महुआ भावनगर गुजरात का शुरू हो जाएगा, सिक्कर वाला शुरू हो जाएगा, चारों तरफ नहीं मिलेगी तो सरकार भी नहीं आएगी। सर ये तो आपके कहने की बात है, अभी आप कुछ बोल जाते हो उसके बाद देना वोट बीजेपी को ही है। नहीं देखो, ऐसा है, वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये मैसेज उन तक पहुंचता है तो हमारा प्याज का निर्यात खुल जाए, हमारे प्याज निर्यात हो और हमें अच्छा भाव मिले। हाँ बस, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह है कि थोड़ा सा हवा बन जाती है कि हाँ निर्यात खुल गया, उसी से जैसे अभी बंद हुआ था तो हवा चली थी कि निर्यात बंद हो गया, तो उसी की वजह से 5-7 रुपए अचानक से डाउन आ गए। 2 दिन में 20 रुपए टूट गए। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 दिन में 20 रुपए टूटना किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। और तो एक बीघे में कितना खर्चा आ रहा है आपका? एक बीघे में हमारे खर्चा आ रहा है 30-40 हजार के बीच में। 30-40 हजार जी। तो अब की बार तो सर ऐसा है, मान लो अगर आपको 15-20 रुपए का भी भाव मिल जाता है जी, तो अब की बार तो नुकसान नहीं है, पर जो आपके 2 साल का नुकसान है वो भरपाई नहीं होगी सर? नहीं होगी ना। हम मैं कह तो रहा हूँ, हम पहले से कर्जे में हैं, पहले से कर्जे में, सही। और अगर हमें ये भाव नहीं मिल पाया 40-45-35-30 तक का, तो हम फिर भी कर्जे में रहेंगे। तो वो तो सर देखो, गवर्नमेंट चाहती है बैंकों से लोन ले, किसान कर्जे में दबा रहे, कर्जे से बाहर ही ना आए। तो फिर जब ये पहले झूठे वादे किए थे कि किसान की दुगनी आय दुगनी हो जाएगी। चलो, आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया तो मैं पूछता हूँ आपसे, हर वीडियो में पूछता हूँ, क्या आपकी आय डबल हुई? नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। मुझे मार्केट में कोई ऐसा किसान नहीं मिला है, इतने वीडियो बना लिए हैं कि जिसने कहा हो, जी वो मेरे हिसाब से कट्टर मोदी का भक्त हो। मैं कट्टर मोदी जी का भक्त, उसने भी नहीं कहा है कि भाई हमारी आय दुगनी हुई, उसने भी नहीं कहा है कि। अच्छा, आप नहीं हो? हमारा गहलोत ने लाइट फ्री करी। बिल्कुल, कांग्रेस ने, देखो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो राजस्थान में कांग्रेस ने कोई खराब काम भी नहीं करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं। 30 तारीख ने इस्लाम दयाल को 5 हजार का बिल भेजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कट्टे का नहीं, बिल का बिल आएगा, बिजली का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इनको मालूम पड़ेगी वो पर्चा है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हम सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो किसानों की आय दुगनी करने की बातें हैं, किसान कर्जे में ना रहे, कर्जे से बाहर निकल जाए, हमें फसलों का उचित मूल्य मिले। उचित मूल्य मतलब ये नहीं कि हमारे प्याज 10 रुपए किलो बिके। बिल्कुल बिल्कुल, हम कड़ी मेहनत करके,
हम कड़ी मेहनत करके फसलों की बुआई करते हैं, फसलें कमाते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए, और हमें अच्छी पैदावार नहीं मिले तो हम भी मायूस हो जाते हैं कि यार सरकार ने हमारे लिए कुछ यानी कुछ तो भाव ने मार दिया, कुछ मौसम ने मार दिया था, इस वजह से मैं आपके चैनल से फिर भी कहना चाहूंगा कि मैं कट्टर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, अच्छा कार्य करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कार्य करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। बिल्कुल भाई, हमें अच्छी फसल के अच्छे दाम मिले, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल सर, और मेरे हिसाब से ये प्याज की बात नहीं कर रहे, हर क्षेत्र में लगा लो चाहिए। आप सोयाबीन करते हो तो सोयाबीन में भी, जब सोयाबीन के भी दाम गिर गए। बिल्कुल, ये भी सही बात है, यानी एक लागत मूल्य तो मिलना चाहिए सर कम से कम। हाँ, एक लागत मूल्य तो मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लागत मूल्य क्यों मिलना चाहिए, हम किसान है, हम लगाते हैं ना, तो उसके साथ हमें कमाई भी तो मिलनी चाहिए। कमाई भी मिलेगी पर लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। हाँ, लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है तो, और मेरे हिसाब से किसी दूसरी जो चीजें होती हैं सब्जियों की, उस पर इतना सरकार एक्शन नहीं लेती है जितना प्याज पर। प्याज अब की बार 25 रुपए था, तभी उस पर 40% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था। देखो आदरणीय, हमारे झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बम्पर थोक फसल होती है प्याज की। बिल्कुल, उसके बाद होता है संतरा, लेकिन संतरे भी इस भाव, ये भाव नहीं मिल पा रहा है जो किसानों को चाहिए। वो वही पड़े हैं, सड़ रहे हैं, और प्याज का भी वो भाव नहीं मिल पा रहा है जो। ऐसा है जी, किसानों की कोई फसल हो कभी भी भाव नहीं मिलता है किसानों को। आज आप व्यापारी लाइन में देख लो, अगर किसी भी चीज को एक धनिया का पाउच बिक रहा होगा तो उसपे प्रिंटेड रेट लिखी हुई होगी। बिल्कुल, हमारे किसान की कोई प्रिंटेड रेट नहीं लिखी हुई है। एक पत्ती, चाय पत्ती की थैली आती है, उसपे भी प्रिंट रेट लिखी हुई होती है। मिर्ची का पाउडर आता है, मिर्ची की थैली आती है पैकिंग, उसपे भी प्रिंटेड रेट लिखी हुई होती है। एक रुपए की माचिस आती है तो उसपे भी प्रिंटेड लिखी हुई होती है। हमारे किसानों की कहीं प्रिंटेड लिखी नहीं हुई होती। यानी गवर्नमेंट को देखो, एक्सपोर्ट अगर माल ज्यादा होता है, कुछ भी हो, किसी भी पैदावार की बात करें, प्याज ज्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट करो। हाँ, एक्सपोर्ट रोकना नहीं चाहिए जी। और अगर मान लो कम पैदावार होती है तो रोक लो। अरे अपनी सरकार को तो अपनी जनता को फायदा देना है ना, कहने का मतलब ये है, तो अपनी जनता चंगे में रहे कुल मिला के। ये तो ये और करते हैं, कहीं अफगानिस्तान से प्याज आ रहा है, लहसुन आ रहा है, यानी माल अपने हिंदुस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद मंगा रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस किसानों को उनकी फसल की जो अच्छी पैदावार हो उनके उचित दाम मिले, बहुत बढ़िया, और किसान कर्जे में नहीं जाए। बिल्कुल, चलो जी सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपने ऐसी जानकारी दी, धन्यवाद।